अब जबकि 10वीं और 12वीं के परीक्षा परिणाम घोषित हो चुके हैं, ऐसे में उत्तीर्ण हुए छात्र और छात्राओं में जश्न का माहौल है। साथ ही बेहतर परिणाम देने वाले विद्यालय और कोचिंग सेंटर भी अपने विद्यार्थियों के साथ खुशियां मना रहे हैं। कुछ यही हाल रहा कानपुर के यशोदा नगर की प्रगति एकेडमी का, जहां टीचर्स की मेहनत रंग लाई और इस बार कई बच्चों ने 90% से अधिक अंक हासिल कर एकेडमी के लिए नए आयाम स्थापित किए। प्रगति एकेडमी के फाउंडर और शिक्षक विनीत शुक्ला ने हमें बताया कि वह पिछले 3 सालों से प्रगति एकेडमी के द्वारा बच्चों को शिक्षित कर रहे हैं। इस वर्ष हमारी एकेडमी से CBSE के 10वीं कक्षा में बच्चे ने सर्वाधिक 94% अंक हासिल किए, जबकि ICSE की 10वीं कक्षा का रिजल्ट बहुत बढ़िया रहा, जिसमें 3 विद्यार्थियों ने 98% अंक हासिल किए, जबकि 5 बच्चों ने 90% से अधिक अंक हासिल किए। प्रगति एकेडमी के विद्यार्थियों का पिछले वर्ष का रिजल्ट भी बढ़िया रहा था, जिसमें CBSE के बच्चे 96% अंक हासिल करने में कामयाब हुए थे। विनीत शुक्ला ने बताया कि आज के समय में स्कूल के साथ साथ कोचिंग की भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका है। स्कूल में कई बार ऐसा होता है कि बच्चों की संख्या ज़्यादा होने के कारण टीचर हर बच्चे पर ध्यान नहीं दे पाते, ऐसे में हमारे यहाँ बच्चों को यदि किसी भी समय दिक्कत या कठिनाई होती है तो उसको लेकर अलग से क्लासेस उपलब्ध कराई जाती हैं, जिनमें बच्चे खुलकर अपने प्रॉब्लम पूछते हैं। इतना ही नहीं, एग्ज़ाम के 2 महीने पूर्व से ही बच्चों को यदि किसी चैप्टर में कोई दिक्कत हो तो उससे संबंधित किसी भी बैच में बार बार आकर अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकता है। प्रगति एकेडमी के बारे में बातचीत करते हुए उन्होंने यह भी बताया कि प्रगति एकेडमी में बच्चों के कॉन्सेप्ट क्लियर किए जाते हैं, साथ ही ये सलाह भी दी जाती है कि बच्चों को ऐसे टीचर और ऐसे कोचिंग सेंटर से बचना चाहिए जहां उन्हें रट्टामार तरीके से पढ़ाया जाता हो। विनीत ने आशा की कि अगले साल प्रगति एकेडमी इससे भी बेहतर परिणाम देगी। हमसे बातचीत में 10वीं की छात्रा दीक्षा सिंह तोमर, चारू शर्मा समेत कई छात्र छात्राओं ने बताया कि विनीत सर, स्मृति मैम और मुकेश सर की वजह से ही उन्हें बोर्ड परीक्षा में कामयाबी हासिल हुई है। नाम है आपका? दीक्षा सिंह तोमर। किस क्लास में थे आप? 10th। क्या परसेंटेज आई है? 97.3। अच्छा, किन किन टीचर ने सपोर्ट किया आपको? विनीत सर, स्मृति मैम। अच्छा, घर पे कितने घंटे पढ़ते थे? 4-5। कोचिंग कहाँ करते थे? प्रगति एकेडमी। स्कूलिंग कहाँ से की है? मदर टेरेसा मिशन हायर सेकेंडरी स्कूल। क्या नाम है आपका? चारू शर्मा। क्या परसेंटेज आई आपकी? 97.4। किस क्लास में थे? 10। किन किन टीचर्स ने सपोर्ट किया आपको? स्मृति मैम, मुकेश सर, मुकेश सर। अच्छा, और घर पे कितने घंटे पढ़ाई करते थे आप? 5 घंटे। और स्कूलिंग कहाँ से की है? मदर टेरेसा मिशन हायर सेकेंडरी। क्या कोचिंग भी लेते थे? Yes। कहाँ से? प्रगति। क्या नाम है आपका? आरती गुप्ता। कितनी परसेंटेज आई है? 93। किस क्लास में थे? 10th। स्कूलिंग कहाँ से की आपने? बरसी में। क्या कोचिंग भी करते थे? Yes। कहाँ से? प्रगति। अच्छा, किन किन टीचर से सपोर्ट किया आपको इस परसेंटेज के लिए? विनीत सर, मुकेश। क्या नाम है आपका? विनीत शुक्ला। आपकी जो एकेडमी है, प्रगति एकेडमी, किस प्रकार से प्रगति कर रही है? प्रगति एकेडमी स्टार्ट किए मेरे को 3 ईयर्स कंप्लीट हुए हैं। फर्स्ट ईयर तो हमारे पास बहुत कम स्टूडेंट्स थे, 40 स्टूडेंट्स ही थे। लास्ट ईयर से हमारा जो टॉपर था 10th CBSE का, वो 96% में था और 12th CBSE का 95% में था। ICSE का टॉपर 89 में था। इस बार हमने 10th CBSE का रिजल्ट कराया है, उसमें हमारा 94 हाईएस्ट था और 10th ICSE का जो रिजल्ट है बहुत ही अच्छा है। इस बार 3 स्टूडेंट्स तो केवल 98% में हैं और 90% ऊपर हमारे 5 स्टूडेंट्स हैं। अच्छा, क्या टारगेट है आपका? अगली बार जब रिजल्ट आएंगे तो उसमें आपका कितना योगदान रहेगा? बस मेरा एक ही टारगेट है कि हमारे यहाँ के बच्चा सीधे किसी नेशनल चैनल पे आए, मतलब इंडिया पे टॉप करे। इंडिया पे टॉप करना चाहते हैं। अच्छा, स्कूल्स के साथ साथ कोचिंग्स की क्या भूमिका है? नहीं, स्कूल्स तो ठीक है, जरूरी है, लेकिन कोचिंग में क्या होता है, स्कूल में स्ट्रेंथ ज़्यादा होने की वजह से बच्चे के सारे डाउट्स नहीं क्लियर हो पाते और लास्ट टाइम पे जो उसको अचीव करना होता है वहाँ से उसको डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। तो लास्ट टाइम पे हम लोग उसे बहुत फोकस करते हैं और उसको क्वालिटी कम टाइम पे कैसे उसको प्रिपेयर करें, कौन कौन सी चीज़ें प्रिपेयर करें, किस तरीके से करना चाहिए, वो चीज़ें सब जरूरी होती है। और क्या क्या फैसिलिटीज़ देती है आपकी कोचिंग? हमारे यहाँ पे डाउट क्लास एक तो बच्चों को फैसिलिटी अवेलेबल कराई जाती है, किसी भी टाइम बच्चा डाउट पूछ सकता है और ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन बिफोर 2 मंथ्स हम लोग कोई टाइमिंग ड्यूरेशन नहीं होती, 4 to 6 की क्लासेस ही चलेगी। बच्चा हमारे यहाँ मॉर्निंग में आ जाता है और हो सकता है 3 PM 4 PM तक क्लास है। बच्चा कभी कभी क्या होता है, बोलता है कि बहुत ज़्यादा टाइम हो रहा है, लेकिन जो बच्चे उस टाइम पे आते हैं और पढ़ते हैं वही लास्ट टाइम पे रिजल्ट हमको मिलता है।
अच्छा, क्या कहना चाहते हैं उन बच्चों से जो इस बार हाई स्कूल या इंटर में जा रहे हैं, किस प्रकार से वो स्कूल और कोचिंग का सिलेक्शन करें और कहाँ जाएं? नहीं, उनको सबसे पहले तो ये देखना चाहिए कि कॉन्सेप्चुअल एजुकेशन कहाँ में मिलती है। ऐसा तो नहीं है केवल रटाया जा रहा है उनको, जब तक कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हो तब तक हाईएस्ट मार्किंग नहीं आ सकती किसी भी सब्जेक्ट में। रट करके नंबर 90 तक तो आप पहुंच सकते हैं, लेकिन 90 अगर आपको क्रॉस करना है तो कॉन्सेप्चुअल नॉलेज होना चाहिए। इस बार के जो पेपर थे कॉन्सेप्ट बेस्ड होते हैं, जो 10% मार्क्स होते हैं वो कॉन्सेप्ट बेस्ड ही होते हैं। अगर कॉन्सेप्ट बेस्ड पढ़ाई नहीं है तो 90 क्रॉस नहीं कर सकते। कॉन्सेप्चुअल पढ़ाई जहाँ पे वही कोचिंग का इंटरव्यू।